आज की खबर से साफ जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकी जो संयुक्त राष्ट्र जो है वो किसी देश को अपना दुश्मन या दोस्त में कोई फर्क नहीं करता, क्योंकि उन्होंने आज साफ धमकी दी हिंदुस्तान को कि अगर आप दवाई हमें नहीं भेजते तो हम अपने आपके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। और वो क्या थ्रेट था क्या था वो तो अलग बात है, पर अभी भारत सरकार जो अभी ही बहुत हाल ही में हाइड्रो ऑक्सीक्लोरोक्वीन का ऊपर बैन लगाया था, प्रतिबंध लगाया था विदेश उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, वो अमेरिका के इस रिक्वेस्ट कहिए धमकी कहिए इससे अब जो है कहा है कि नहीं हम आपको दवाई भेजेंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन आपको भेजेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी संयुक्त राष्ट्र इस वक्त किसी भी देश का पुरानी संबंध क्या है उससे कोई मतलब नहीं रखता। उनका साफ संबंध इससे है कि निजी स्वार्थ अमेरिका का अगर है तो सब देश उसके पीछे उसके सामने पीछे पड़ जाते हैं। उन्होंने जो अपने नेटो एलाइज है उनकी जो वेंटिलेटर से लेकर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दवाई कोई भी चीज हो जब अमेरिका का जरूरत पड़ा तो उनसे छीन कर अपने देश ले गए, टेस्टिंग किट्स ले गए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस अभी सामने है जो कि अमेरिका इस वक्त अपने स्वार्थ के लिए कोई दुनिया की एक क्या कहें एक संघबद्ध तरीके से एक इसके खिलाफ इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई करने की जगह पर सिर्फ अपना निजी स्वार्थ अपना देश के स्वार्थ देख रहा है। और सबका स्वार्थ सबका जो जिसके स्टेक्स है जो जरूरत है उसको नजरअंदाज कर रहा है। इससे G20 के बारे में हमने बहुत पहले टिप्पणी की थी जब उनकी G20 की बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कि दुनिया को इस वक्त चाहिए एक सशक्त लीडरशिप। सब जो उन्नत देश है जो इकोनॉमिकली मजबूत देश है उनको ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। और भारतवर्ष ब्राजील साउथ अफ्रीका जो कि उदीयमान देश माने जाते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है सबके साथ मिलके दुनिया को एक लीडरशिप दे। G20 ने इसको नहीं दिया था और अब साफ है कि हर देश अपना स्वार्थ के लिए अब जो भी करना है वो कर रहा है। हिंदुस्तान के सामने भारतवर्ष के सामने भी ये चुनौती है क्योंकि हम बहुत सारे गरीब देशों को हम दवाई देते हैं जो उन्नतशील देश नहीं है, छोटे मुल्क हैं, उनके पास दवाई बनाने की इतनी सुविधा नहीं है, उनको हम बहुत सारे ऐसे दवाई भेजते हैं कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम क्या करें अगर पूरे देश की एक्सपोर्ट पे हम बैन लगा देते हैं तो उनके लिए हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो ये सब सोचते हुए इन सब चीज़ों पर एक सामूहिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनिशिएटिव होनी चाहिए। चीन जिसे कहते हैं बल्क ड्रग्स या जिसपे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है वो APIs उसका एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। भारतवर्ष उनको फॉर्मुलेशंस की तरफ उनको टैबलेट फॉर्म में दवाई बनाने के फॉर्म में वो बहुत बड़ा एक दुनिया में उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये दोनों देश मिल के दुनिया के जो ऐसे देश है जिनकी ये कैपेबिलिटी नहीं है दवाई बनाने की उसको कैसे सप्लाई करेगी, खास तौर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जैसी दवाई जो शायद इस पैंडेमिक में काफी यूजफुल हो सकता है, उसके लिए प्रबंध बनाना चाहिए। साफ है दुनिया की ये जो लीडरशिप अमेरिका या ऐसे देशों को देना था इस वक्त तो देने की ना तो स्थिति में है बल्कि उसके उल्टा चल रहे हैं कि वो अपना हित सिर्फ देख रहे हैं और किसी का हित नहीं देख रहे। तो मेरे हिसाब में हमें ये सोचना चाहिए क्या जैसे दूसरे देश है उनके साथ मिलके भारतवर्ष खासतौर से चीन के साथ मिलके, क्योंकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टेस्ट किट्स इनकी काफी है, मिलके हज पे कोई लीडरशिप क्या ले सकता है। ये हमारे सामने चुनौती है। अमेरिका के पीछे जाके कोई फायदा नहीं है। ट्रंप ने एकदम हमको सरासर बता ही दिया इस धमकी के साथ। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल होता है इसके लेके काफी सवाल भी उठे हैं, क्या इस पे सचमुच कोई फायदा है या नहीं है, विवाद है इस पर सवाल ये है कि हमारे हाथ पे इस वक्त बहुत कम दवाई है जो कि कोविड-19 इस एपिडेमिक के खिलाफ
हम इस्तेमाल कर सकते हैं। SARS-CoV-2 जो वायरस है उसके खिलाफ अभी तक कोई ऐसे दवाई, रेमडेसिविर कह के एक दवाई है जो गिलियट के पास है, वो बहुत ही महंगी दवाई है, इसके अलावा और कोई दवाई इस तरह से सामने आया नहीं है। और रेमडेसिविर की भी इस तरह से कोई कितनी कामयाबी है वो देखनी पड़ेगी हमें। जो पहले हम सोच रहे थे कि जैसे एंटी रेट्रोवायरल्स जो एड्स में इस्तेमाल होता है, शायद इन वायरसेस के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। जो ट्रायल्स हुए हैं, अभी जो इस्तेमाल हुए हैं, उससे लगता है कि एकदम पहले हिस्से में, बीमारी के एकदम पहले भाग में अगर इसको इस्तेमाल करें तो शायद इस पे फायदा हो सकता है। पर जब सेकंड स्टेज में लंग में पहुंच जाता है, जबकि एक सीरियसनेस हो जाती है उसकी, इंटेंसिव केयर यूनिट देना पड़ता है, शायद वेंटिलेटर रेस्पिरेटर वगैरह इस पे डालना पड़ता है, तब इसकी खास कोई कामयाबी नहीं देखने को मिला। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्योंकि लंग की इन्फ्लेमेशन कम करने का संभावना रखता है, क्योंकि ये रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है उसके खिलाफ ये दवा इस्तेमाल होता है, मलेरिया के खिलाफ सिर्फ नहीं, तो उसमें हो सकता है इसका। और अगर एंटीबैक्टीरियल दवाइयों के साथ कंबाइन किया जाए, क्योंकि इस फेज में कई बार हम देख रहे हैं कि लंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ साथ होता है, तब ये दोनों दवाई मिलके अगर इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है लंग की इन्फ्लेमेशन और उसके साथ साथ इन्फेक्शन जो दूसरे चीजों के लिए आ सकती है उस पर काबू हम काबू पाएंगे। तो इसीलिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का संभावना है इस इस्तेमाल की। हमारे सामने बहुत ज्यादा चारा है नहीं कि नए दवाई हम इस वक्त तुरंत निकाल दें। हमारे सामने यही सिर्फ चैलेंज है कि जो दूसरे बीमारियों के लिए दवाइयां हमारे पास है, क्या इनकी कुछ कामयाबी हो सकती है COVID-19 की इस एपिडेमिक में, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ क्या इसकी कुछ इस्तेमाल हो सकती है। इस वक्त 40-50 ऐसे दवाई रिपर्पस करने की हम सोच रहे हैं और उसकी ट्रायल्स अभी शुरू होने वाला है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन तो है ही, एजिथ्रोमाइसिन जिसके बारे में आपने सुना होगा ये भी इस ट्रायल्स के साथ है कि एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मिला के इस्तेमाल किया जाए। तो ये हमें देखना पड़ेगा इसका फायदा कितना दूर होता कितना नहीं होता है। पर इस वक्त नॉर्मल प्रोसेस जो होता है डबल ब्लाइंड ट्रायल्स वगैरह करने की संभावना नहीं है। 30 की दशक, 40 की, 50 की दशक में हम डायरेक्टली ड्रग इस्तेमाल करके देखते थे क्या इसका फल होता है। हमें उसी रास्ते पे इस एपिडेमिक के दौरान इसी रास्ते में चलना पड़ेगा। उस तरह से कोई वैज्ञानिक डबल ब्लाइंड ट्रायल्स की संभावना इस वक्त तो लगता नहीं है।